आज नासिरबाग के मुकाम पे नासिरबाग नेचर रिसोर्सेज कमेटी की एक मीटिंग रखी थी लीज के हवाले से। माशाल्लाह हमजा के हमायदीन हमजा के पॉलिटिकल वर्कर्स सरों ने शिरकत की और बहुत खुशाइन मीटिंग हुई, बहुत ज़बरदस्त कामयाब मीटिंग रहा। मैं हमजा के गैर बुजुर्गों को खासकर जो हमारे एजुकेटेड जो हमारे हमजा के यूथ पूरा पाकिस्तान भर में पूरा दुनिया भर में मुकीम है अपने एजुकेशन के सिलसिले में जो लीज के जो इशू है नासिरबाद का, ये जब तक एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रॉब्लम में लुकोना है जब तक जी भी आज़ाद नहीं होगा आइनी तौर पर, तब तक ये जो डार्किनेस जो ला है वो कभी भी ब्लैक ला हम कहते हैं वो इम्पोज नहीं हो सकते। जब तक बिल्बसान असम्बली कानून साज असम्बली की शक्ल अख्तियार नहीं करेगी और पाकिस्तान की जो आर्टिकल 1 है उसमें अमेंडमेंट करके बल्स्तान को जब तक आइनी सूबा नहीं बनाया जाता तब तक ये जो ला है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो ये जी बी के अवाम को मैं बताना चाहता हूँ, ये पहाड़, ये दरख्त, ये रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज, ये दरिया हमारे मलकियत है। जब तक ये मोहम्मद दादा एक बदमाश यहाँ फिर रहा है हंजा बल्स्तान में, उसने ओवर लैपिंग करके, मैं पूरा हंजा के अवाम को बताना चाहता हूँ कि 20 साल पहले हमारे नासिरबाद के एक तंजीम है अल नासिर सोसाइटी, उन्होंने लीज ग्रांट की थी, उसको ओवरलैपिंग करके ब्यूरोक्रेसी जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो गिरद में बैठी है जो हंजा के वसाइल के ऊपर वो वक्तन फ़ौक्तन हमें दीवार से लगाया जाता है, उन्होंने ओवरलैपिंग करके जो नासिरबाद का अवाम का हक़ था, हमारे ख़वातीन का हक़ था, हमारे बुज़ुर्गों का हक़ था, उसको ओवरलैपिंग करके एक भेड़िया को उन्होंने लीज दी है। इसके हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, इंशाल्लाह जब तक हंजा का अवाम एक एक बच्चा ज़िंदा है उस लीज को हम कभी नहीं मानेंगे, जब तक कैंसिल नहीं करिए तब तक हमारे एहतजाज जारी रहेगा। तो आज हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नासिरबाद में शामिल हुए, तो इस इलाके के रिसोर्सेज पे, इस गांव के रिसोर्सेज पे एक सरमायादार जो है कब्जा करना चाहते हैं, वो इसके लिए मुकामी जो ब्यूरोक्रेसी उसको इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती लोगों को डरा धमका के उसे हासिल करना चाहते हैं। हम इसे इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे इस लीज़ को मनसूख कर दिया जाए और मकामी लोगों की जो लीज़ है इसको बहाल करके इनको काम करने की इजाज़त दी जाए। ये ना सिर्फ इस गांव के लोगों के साथ हो रहा है बल्कि पूरे इलाके के साथ हो रहा है। अमूरी सूबे की बात करते हैं तो जब तक यहाँ के रिसोर्स, यहाँ के जो ज़राए वसाइल है उस पर लोगों को, मकामी लोगों को हक़ नहीं देंगे, ये ड्रामे जो है ना इसको ये ज़्यादा नहीं चलेंगे। इसके बाद मैं हमारा जो मौकफ़ है इस इशू के हवाले से वो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये जो लीज़ का मामला है सबसे पहले अल नासिर सोसाइटी ने 1989 में लिया है, उसके बाद 2004 तक उन्होंने काम भी किया है। 2004 में इनके ऊपर वो ओवरलैपिंग करके उनके लीज को किसी और के नाम पे दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम उसकी मरम्मत करते हैं और हमारी हुकूमत, हमारे मिनिस्टर्स, सीनियर मिनिस्टर करण बेस समेत उन्होंने ये ज़्यादा किया है कि जिन्होंने ये ओवरलैपिंग की है इनकी तहकीकात करें और जिन्होंने की है उनको सजा भी मिले, क्योंकि पूरे जीबी में ये 1 इंच की भी ज़मीन खाली सरकार नहीं है, ये आवाम की मलकियत है। तो ये जो लीज की जो पॉलिसी बनी है तो उस पर मैंने थोड़ी देर पहले भी मैंने हम उससे आला एवानों में हम अपने मुतालिबात रखेंगे कि ये जो बदनाम जमाना मिनरल्स एक्ट है इसको यहाँ से मुकम्मल तौर पर बदल होना चाहिए। हमें हम इस एक्ट को मुस्तरद करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पॉलिसी बना के मेरी पॉलिसी में बनाऊंगा मिनरल्स के हवाले से हेल्थ पॉलिसी हो, वो एजुकेशन पॉलिसी हो, वो पावर पॉलिसी सकती हूँ। और आज हमारे नासिरबाद के अवाम ने अपने हक के लिए जो आवाज बुलंद किया मैं उसको खराज पॉलिसी हो या मिनरल्स की पॉलिसी हो उसकी पॉलिसी मैं खुद बनाऊंगा। तू कौन होता हूँ सर वफा में बैठ के मेरे और वो मैं तुम्हारा हिस्सा भी नहीं हूँ, मैंने तो थाली में रख के तुम्हारे हवाले किया था, तुमने मुझे ले जाके कश्मीर के साथ दम किया कि तुम मुतनाजा हो और जब मैं मुतनाजा हूँ तो तुम किस मुंह से आके यहाँ मेरे ऊपर तुम अपनी पॉलिसी नाफिज करते हो, तुम्हारी कोई पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगी। और मोहम्मद दादा तुमसे बड़े बड़े दादे यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने
ڈاکٹرز کا حق رکھا ہے، کو بغایا انگریزوں کو بغایا، تم کیا چیز ہو؟ اپنا الفاظ واپس لینے چاہیے اور ہمزہ کے عوام سے معافی مانگنا چاہیے، بصورت دیگر کلک منطقہ سے لے کر شنا کی کہ آخری کونے تک ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پی ٹی آئی حکومت کو، حکومت نے وقت کو دن رات نہیں دن کو ہم تارے گننے پر مجبور کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔